नमस्ते स्टूडेंट्स। हम अभी नाइन्थ चैप्टर का लास्ट लेक्चर आप देखने जा रहे हैं। हमने मिसलेनियस के एट तक देखे थे, अभी हम नाइन्थ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, देखो, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे करेंगे जल्दी से देखते हैं। 1 plus e raised to x dy plus 1 plus y square e raised to x dx is equal to 0। सबसे पहले तो dy by dx में सॉल्व कर लें, इसको दूसरी साइड लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, 1 plus e raised to x dy is equal to minus 1 plus y square e raised to x dx। dy by dx क्या हो जाएगा, देखो अब इसको ये माइनस तो यहीं पे रहेगा, 1 plus y square e raised to x upon 1 plus e raised to 2x हो गया। आप इसको इजीली वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हो, देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर नीचे लेके आओ, डी वाई बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स को ऊपर लेके जाओ, माइनस क्या हो जाएगा ई रेस टू एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू 2x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई रेस टू एक्स का होल स्क्वायर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, तो ये क्या हो जाएगा dy वाई बाय वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस ई रेस टू एक्स डी एक्स बाय वन प्लस ई रेस टू एक्स का होल स्क्वायर। अब ये इसका सॉल्यूशन काफी इजी है, इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा अटपटा है। इसको मैं आई वन मान लेता हूँ, सबसे पहले उसका सॉल्यूशन कर लूंगा तो वो मुझे क्या मिल जाएगा, टेन इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस आई वन, नंबर वन करके छोड़ देता हूँ, वेर आई वन क्या है आपका ई रेस टू एक्स डी एक्स अपॉन वन प्लस ई रेस टू एक्स का होल स्क्वायर, लेट ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू टी, सो ई रेस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। सो आई वन क्या हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट डी टी और नीचे वाला पार्ट वन प्लस टी स्क्वायर, और आपको पता है इसका इंटीग्रेशन होगा टेन इनवर्स टी प्लस सी। अब आपका tan इनवर्स t था क्या, t था आपका tan इनवर्स e रेस टू x प्लस c, अब डाल दो 1 में, सो फ्रॉम 1 बराबर है tan इनवर्स y तो as it is रहेगा, लिख लिया इतना, हाँ tan इनवर्स y as it is रहा, उसकी जगह पे माइनस tan इनवर्स e रेस टू x और प्लस c। अब लो सर ये तो पूरा ब्रैकेट में था ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, c कांस्टेंट होता है, आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आप देखोगे क्वेश्चन में पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात गिवन है, बट y इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y की जगह पे 1 इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स e रेस टू 0 प्लस c। ये क्या हो गया, tan इनवर्स 1 कितना होता है pi बाय 4 माइनस, ये कितना होगा माइनस पाई बाय फोर और माइनस सी, ओके इसको इस साइड लेके जाओ तो प्लस पाई बाय टू पाई बाय फोर मतलब हो जाएगा पाई बाय टू इज इक्वल टू माइनस सी, देयरफॉर सी इज इक्वल टू माइनस पाई बाय टू। तो यहाँ पे सी की जगह पे इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स ई रेस टू एक्स माइनस पाई बाय टू, ब्रैकेट ओपन कर दो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है यहीं पर लिख लेता हूँ, ये ब्रैकेट ओपन करोगे ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स y, ये माइनस उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस टेन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय टू माइनस माइनस प्लस, ये आपका आंसर है। कितना इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गया क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अरे x बाय वाई है, देखो x बाय वाई क्वेश्चन लिख रहा हूँ, y e रेस टू x बाय वाई डी एक्स इज इक्वल टू x e रेस टू x बाय वाई प्लस y स्क्वायर डी वाई, तो यहाँ पे हम डी एक्स बाय डी वाई फाइंड करेंगे, डी एक्स बाय डी वाई मतलब x e रेस टू x बाय वाई प्लस y स्क्वायर अपॉन y e रेस टू x बाय वाई। अब हम क्या करेंगे, अब ये तो होमोजेनस फंक्शन है तो लेट x इज इक्वल टू वी वाई, वाई इज इक्वल टू वी एक्स नहीं होगा, तो देयरफॉर
डी एक्स बाय डी वाई क्या होगा, वी प्लस वाई डी वी बाय डी वाई, ये हो गया नंबर वन, ये हो गया नंबर टू। क्या करेंगे, पुट टू इन वन, ठीक है। तो डी एक्स बाय डी वाई की जगह पे वी प्लस वाई डी वी बाय डी वाई, एक्स की जगह पे वी वाई ई रेस टू वी, एक्स बाय वाई वी हो गया, प्लस वाई का स्क्वायर एज इट इज, नीचे वाई एज इट इज ई रेस टू वी। अब बड़ा चेक करो तो दोनों में से वाई वाई कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा, वी प्लस वाई डी वी बाय डी वाई, ऊपर से वाई कॉमन निकाल लिया, क्या बचा, वी ई रेस टू वी प्लस वाई, वी ई रेस टू वी प्लस वाई, और नीचे वाई ई रेस टू वी, ये कैंसिल हो गया, प्लस वी उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाई डी वी बाय डी वाई इज इक्वल टू वी ई रेस टू वी प्लस वाई अपॉन वी रेस टू वी माइनस वी। वाई डी वी बाय डी वाई एलसीएम ले लो, वी ई रेस टू वी प्लस वाई माइनस वी ई रेस टू वी अपॉन वी, ये हो गया कैंसिल, क्या बचा, वाई डी वी बाय डी वाई इज इक्वल टू वाई ई रेस टू वी, ये वाई वाई भी कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं बचा अब यहाँ पे। तो देख लो बेटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई रेस टू वी को ऊपर भेज दूँ तो ई रेस टू वी और डी वाई इधर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई रेस टू वी डी वी, और ये हो गया डी वाई, ई रेस टू वी का ई रेस टू वी, इसका वाई प्लस सी, और आपका वी क्या था, वाई बाय एक्स, तो इसका एक्स बाय वाई, एक्स बाय वाई इज इक्वल टू वाई प्लस सी, ये आपका आंसर। कितना सिंपल है। हाँ, अब जो ये क्वेश्चन है ना, बहुत ही फाड़ू क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, समझ लो इसको पक्का, हिंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं दिया रहेगा। फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई। अब सबसे पहले तो इसको ब्रैकेट ओपन कर लो, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई। अब सारे डी वाई इस साइड लेके आओ, डी एक्स उधर लेके जाओ, देखो अब माइनस डी वाई इधर लेके आओ प्लस डी वाई, तो क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी वाई प्लस डी वाई, एक्स डी एक्स सब इधर लेके आओ, डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स प्लस वाई डी एक्स। अब इनमें से आप डी वाई कॉमन निकालोगे तो एक्स माइनस वाई प्लस वन डी वाई हो जाएगा, इसमें से आप डी एक्स कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स प्लस वाई, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, वन माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस वन। अब इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स, देखो वन माइनस कॉमन निकाल लिया, एक्स माइनस वाई, इस प्लस वन को आगे ले लें प्लस एक्स माइनस वाई हो गया। सर पहली बात, वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो सकता, दूसरी बात होमोजेनस भी नहीं है क्योंकि वन वन है, तब क्या करने का। अब ये दो टर्म आपको दिख रहे हैं, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, यही इंपॉर्टेंट है। अब उसको मैं क्या मान लूंगा, लेट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टी, एक्स का वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो देयर फोर इसमें से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, वन माइनस डी टी बाई डी एक्स, इसको मैं टू ले लेता हूँ, इसको मैं लेता हूँ वन, तो देयरफॉर क्या लिखूंगा, पुट टू इन वन, टू क्या था, वन क्या था आपका डी वाई बाई डी एक्स, उसकी जगह पे वन माइनस डी टी बाई डी एक्स, और उधर आपका क्या था, वन माइनस एक्स बाई वाई, तो वन माइनस टी, और नीचे क्या आ जाएगा, वन प्लस टी। देख लो ना बेटा यहाँ पे वन माइनस टी और वन प्लस टी। अब ये माइनस को इधर लेके आऊंगा, ठीक है, डी टी बाई डी एक्स, और इनको इधर लेके आऊंगा, वन माइनस टी अपॉन वन प्लस टी इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स हो गया, प्लस एलसीएम ले लो, वन प्लस टी ब्रैकेट ओपन करो माइनस वन प्लस टी, और नीचे आ जाएगा वन प्लस टी डी टी बाय डी एक्स, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा हमारे पास, टू टी अपॉन वन प्लस टी इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स, तो
इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू टी अपॉन वन प्लस टी, ठीक है, किसी को दिक्कत बेटा? अब टू को इधर रखूंगा, वन प्लस टी को ऊपर लेके जाता हूँ, टी को नीचे लेके आता हूँ, ये हो गया मेरा डी टी, और टू डी एक्स को इधर लेके आऊंगा। अब देखो वेरिएबल सेपरेबल हो गया, हमको तो कुछ भी करके वेरिएबल सेपरेबल करना है, तो अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो वन, देखो वन बाय टी और प्लस वन हो जाएगा ये डी टी, दोनों सेपरेट, वन बाय टी प्लस वन इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा टू डी एक्स, वन बाय टी का तो क्या हो जाएगा लॉग मोड टी, वन का क्या होगा सिर्फ टी, टू का क्या होगा टू एक्स और प्लस सी, समझे? अब टी हमने किसको अज्यूम किया है, एक्स माइनस वाई, प्लस टी हमने किसको अज्यूम किया है, एक्स माइनस वाई, टू एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इन सबको इधर लेके आओ, इन सबको इधर लेके आओ, सबको इधर लेके आओगे तो प्लस एक्स है वो क्या हो जाएगा माइनस एक्स, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा लॉग मोड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका एक्स था दूसरे साइड गया तो माइनस एक्स, माइनस वाई था इस साइड गया प्लस वाई, बट क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी हुई पर्टिकुलर सॉल्यूशन, बट वाई इज इक्वल टू माइनस वन और एक्स इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर लॉग एक्स की जगह पे जीरो माइनस वाई की जगह पे माइनस वन, जीरो प्लस वाई की जगह पे माइनस वन प्लस सी, ये हो गया लॉग वन, जीरो इज इक्वल टू जीरो माइनस वन प्लस सी, देयरफॉर सी की वैल्यू वन आ गई, हेंस हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या बन जाएगा फिर, लॉग मोड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस वन, इजी, बस ऐसे ही क्वेश्चन है। और अभी सिर्फ 11 मिनट हुए, तो मेरे ख्याल से तो ये 25 मिनट से ज्यादा का लेक्चर भी नहीं बनेगा आज, क्या बात है, पहले ऐसा इस सब पता होता तो हमारा काम बन जाता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्स प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू ई रेस टू माइनस वाई माइनस वन, ये तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आप बोलो सर 12 और 13 वो मेथड से करने जो आपको मेथड कट है, इसलिए हम सीधा 14 पे आते हैं, ठीक है, डन, क्लियर हो गया। तो अब करना क्या है, अब हमें करना ये है वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल में आप देख सकते हो डी वाई अपॉन टू ई रेस टू माइनस वाई माइनस वन इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा डी वाई, ये टू वाई ई रेस टू वाई माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि ये देख लो, और इसलिए यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ डी एक्स बाय एक्स प्लस वन, इसको एलसीएम लेके ऊपर भेज दो, तो ई रेस टू वाई डी वाई अपॉन टू माइनस ई रेस टू वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है। अब देखो ये तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, जो भी प्रॉब्लम है वो इधर है, इसका तो लॉग मोड एक्स प्लस वन आएगा। अब रही बात इसकी, इसको मैं आई वन नाम दे देता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं क्या दे देता हूँ, आई वन इज इक्वल टू लॉग मोड एक्स प्लस वन प्लस लॉग सी, वेयर हमारा आई वन कितना है ई रेस टू वाई अपॉन टू माइनस ई रेस टू वाई डी वाई। अब इसमें मैं टू माइनस ई रेस टू वाई को टी मान लेता हूँ, इसमें मेरा आंसर आएगा माइनस ई रेस टू वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी, देयरफॉर आई वन मेरा क्या हो जाएगा माइनस ई रेस टू वाई डी वाई का माइनस डी टी अपॉन टी, तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस लॉग मोड टी, दैट इज माइनस लॉग मोड टू माइनस ई रेस टू वाई, ठीक है, क्लियर हो गया पक्का, कुछ भी डाउट है तो बताइए, कुछ भी डाउट है नहीं है ना, तो इधर वैल्यू पुट कर, तो माइनस लॉग मोड टू माइनस ई रेस टू वाई इज इक्वल टू, ये तो दोनों मल्टीप्लाई में थे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ लॉग मोड सी इन टू एक्स प्लस वन। अब इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये पावर माइनस इधर जाएगा अंदर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा लॉग मोड वन बाय टू माइनस ई रेस टू वाई इज इक्वल टू लॉग मोड सी इन टू एक्स प्लस वन। अब देखो लॉग लॉग कैंसिल हो गया,
देयरफॉर हमारे पास क्या बचा, 2 माइनस ई रेस टू आई इंटू सी इंटू एक्स प्लस वन। बट क्वेश्चन में दिया हुआ x कितना है, 0, y कितना है, 0। अगर y 0 है तो 2 माइनस ई रेस टू 0, x 0 है तो 0 प्लस 1, तो ई रेस टू 0 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू सी। देयरफॉर 2 माइनस ई रेस टू y इज इक्वल टू सी की जगह पे 1 है। इन सबको इस साइड लेके आओ, क्या हो जाएगा आपका, एक छोटी सी मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, यहाँ पे 1/2 ई रेस माइनस वाई, 1/1/1/1/1 मेरे से गलती हो गई, सॉरी, वही सोचो मैं कुछ गड़बड़ क्या कर रहा। हाँ, तो इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स सी की जगह पे एक्स प्लस वन, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो अब आपको इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो रेसिप्रोकल करोगे तो 2 माइनस ई रेस टू वाई इज इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस 1 होगा। ई रेस टू वाई को उधर लेके जाओ, ये 2 माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू सिर्फ ई रेस टू वाई, 2x प्लस 2 माइनस 1 मतलब प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ई रेस टू वाई। अब देखो, अब y फाइंड करना है तो ई रेस टू उधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, लॉग मोड 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। देखो e रेस टू वाई से लॉग चाहिए, e उस साइड जाएगा तो लॉग होगा, लॉग इस साइड आएगा तो e हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर, क्योंकि y के फॉर्मेट में ही अपने को चाहिए ना आंसर, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स प्रेजेंट एट एनी टाइम। उसकी पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी, जितने उधर प्रेजेंट है उतने। तो मान लेते हैं, लेट at any instant population be y, so therefore given that, हमें क्या given है कि उनकी population किससे बढ़ रही है, dy by dt is directly proportional to y, जितना वहां पे हो, ठीक है। तो अगर proportionality हटाओगे तो dy by dt is equal to ky, तो इसको वेरिएबल सेपरेबल कर लेते हैं, dy by y इज इक्वल टू k dt हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्या हो जाएगा, ये हो गया dy by y, क्या होगा, log mod y k t और प्लस c हो जाएगा। बट अब क्वेश्चन में पढ़ो, If the population of the village in 1999 be 20,000 और 2004 में 25,000, तो 2009 में कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। अब आपके पास दो अननोन है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, इन द ईयर 1999 हम मान लेते हैं उसको t इज इक्वल टू 0, तब y कितना था, 20,000। मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है, बराबर है, ठीक है। तो इसमें वैल्यू डाल दो, सो लॉग 20,000 इज इक्वल टू के की जगह पे 0 प्लस सी, देयरफॉर सी आपका क्या हो गया, लॉग मोड 20,000, तो देयरफॉर आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लॉग मोड वाई इज इक्वल टू के टी प्लस लॉग मोड, लॉग मोड की तो जरूरी नहीं है, 20,000 तो प्लस ही है, सो लॉग 20,000, इतना हुआ। अभी भी किया अननोन है, उसके लिए क्या दिया हुआ, इन द ईयर 2004, तो वो हमारा टी इज इक्वल टू पांचवा साल हो जाएगा, 2000, 2001, 2002, 2003 और 2004, 1999 जीरो था, तो 2000 फर्स्ट ईयर, 2001 सेकंड ईयर, 2004 ऐसे फिफ्थ ईयर हो जाएगा, तब पॉपुलेशन कितना है, 25,000, कितना है पॉपुलेशन, 25,000, तो देयरफॉर लॉग y की जगह पे आप कितना डाल दोगे, 25,000, ओके, k t की जगह पे कितना डालोगे, 5 प्लस लॉग, आंसर कितना आएगा, 20,000 होगा। अब ये इस साइड लेके जाओ तो माइनस हो जाएगा, लॉग 25,000 माइनस लॉग 20,000 इज इक्वल टू 5k,
अब ये दोनों तो डिवाइड हो जाएंगे 25,000 बाय 25, तो ये हो जाएगा log 5 बाय 4 इज इक्वल टू 5 के। तो देयरफॉर k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी 1 बाय 5 log 5 बाय 4। अभी हमें कहाँ पे फाइंड करना है, इन द ईयर 2009 फाइंड करना है, मतलब वो 10वां साल है। At t is equal to 10, तो therefore हमारा log y, उससे पहले log y थोड़ा सा हम log y फाइंड कर लेते हैं। हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन log y is equal to क्या था हमारा, k, k हमारा निकला 1 by 5 log 5 by 4 t plus log c, c कितना निकला log 20,000 निकला। ये हमारा इक्वेशन, बट हमें फिर कौन से साल में फाइंड करना है, बट एट द ईयर 2009 दैट इज टी की वैल्यू 10 इयर्स पे फाइंड करना है, ठीक है, 2009 टी की वैल्यू 10 इयर्स पे फाइंड करना है। तो हमारा लॉग वाई की जगह पे मैं कितना पूछूं, लॉग वाई ही हमें फाइंड करना है, तो 1 बाय 5 लॉग 5 बाय 4 इंटू टी कितना हो गया 10 प्लस लॉग कितना हो जाएगा 20,000। इतना क्लियर। अब देखो 10 इंटू 5 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, लॉग वाई इज इक्वल टू 2 लॉग 5 बाय 4 प्लस ये कितना है हमारे पास लॉग 20,000। अब 2 जो है वो अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सो लॉग 25 बाय 16 प्लस लॉग 20,000, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं प्लस में, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे 25 बाय 16 इंटू 20,000, लॉग लॉग कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो y की वैल्यू 25 बाय 16 इंटू 20,000, और अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा 31250। यही सारे पॉपुलेशन कैलकुलेशन में और ये सारे में काम आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन भर भर के। तो 2009 में उनकी पॉपुलेशन कितनी होगी, 31250। आई होप आप लोगों को इजीली क्लियर हो चुका है, नहीं समझ में आया तो एक बार और रिवाइज करिए, रीप्ले करके देखिए, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, जैसे आपने देख लिया कि 15 हो गया, 16 थी, ये एमसीक्यू है, क्या है, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे लेके जाओ, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको आप सेपरेट कर लोगे तो आप क्या हो जाएगा बेटा, ये डी वाई के नीचे हो जाएगा वाई, ये डी एक्स के नीचे हो जाएगा एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड एमसीक्यू, इसलिए फटाफट से लिख सकते हो, लॉग मोड वाई इज इक्वल टू लॉग मोड एक्स प्लस लॉग सी। सो लॉग मोड वाई इज इक्वल टू लॉग मोड क्या हो जाएगा, सी एक्स, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू सी एक्स, सी आंसर, इजी। और लास्ट जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, ई रेस टू एक्स डी वाई प्लस वाई रेस टू एक्स प्लस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसको दूसरी साइड लेके जाओ, ई रेस टू एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई ई रेस टू एक्स प्लस टू एक्स डी एक्स, देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स, इसको दूसरी साइड लेके जाओ, माइनस वाई ई रेस टू एक्स प्लस टू एक्स होल अपॉन ई रेस टू एक्स, ठीक है। तो देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस टू एक्स बाय ई रेस टू एक्स, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर हुआ इतना पक्का। अब इसके बाद कौन सा स्टेप करेंगे, इसके बाद हम नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन कट है आपको, मैं वही सोचूंगी क्योंकि ये आपको 9.6 एक्सरसाइज वाला टॉपिक है, सो ये आपको नहीं करना क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए लीनियर इक्वेशन लगाना पड़ेगा जो आपको इस बार कट है, ओके। सो फाइनली हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे। तो आज अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, एग्जाम्स आ रही है, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कर लेना, बाय बेटा।